हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा चपाती चाट, पाई चाट के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे। चंपापुर में शादी का मौसम चलते हुए चंदा को शादी के मंडप को फूलों से सजाने के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। चंदा सोच रही है कि उसके कौन से फूल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए चंदा ने पिछले ऑर्डर्स में इस्तेमाल किए गए फूलों के रिकॉर्ड को देखकर इस तरह का चार्ट, पाई चार्ट बना लिया। तभी अप्पू चंदा की दुकान पर आया। चंदा, तुमने ये किस चीज का चपाती चार्ट बनाया है? मेरे फूलों की लोकप्रियता का। मैंने कितने ऑर्डर्स में इन फूलों का इस्तेमाल किया है, उस जानकारी से ये चपाती चाट बनाया है। इसके अनुसार सबसे बड़ा हिस्सा चंपा के फूलों का है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय चंपा के फूल है। देखो, मैं भी चपाती चाट बनाना सीख गई। अरे वाह चंदा, तुमने तो बहुत सुंदर चपाती चाट बनाया है। लेकिन ये क्या, चंपा के फूल 1/4 ऑर्डर्स में इस्तेमाल किए गए हैं और गुलाब के फूल 1/3 ऑर्डर में इस्तेमाल किए गए हैं, और 1/4 तो 1/3 से छोटा है। लेकिन तुम्हारे चपाती चाट में तो चंपा के फूलों का 1/4 हिस्सा गुलाब के फूलों के 1/3 हिस्से से बड़ा नजर आ रहा है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हाँ अपू, मैंने तो ये चपाती चाट बनाते समय हर फूल के लिए जिन हिस्सों को रंगना था उन्हें ठीक तरह से गिनकर उनमें रंग भरा था। फिर ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, अब समझ में आया। देखो चंदा, भले ही तुमने इन फूलों के भिन्नों के अनुसार चपाती चाट के हिस्से में रंग भरे हो, लेकिन तुमने चपाती चाट के हिस्से बनाते समय समान हिस्सों की जगह असमान हिस्से बनाए हैं। इसलिए तुम्हारे चाट का 1/3 हिस्सा तुम्हारे चाट के 1/4 हिस्से से छोटा नजर आ रहा है। ओफो, तो मैंने ये गलती की है। इसका मतलब सबसे लोकप्रिय चंपा के फूल नहीं बल्कि गुलाब के फूल है। चलो मैं अपनी गलती को सुधार कर इस चपाती चाट को सही तरह से बना लेती हूँ। ये कहकर चंदा ने चपाती चाट को इस बार समान हिस्सों में बांटकर उसे बिना कोई गलती किए बना लिया। धन्यवाद अप्पू, अब मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। चलो मैं तुम्हें इस बात पर बब्बन के आइसक्रीम स्टॉल से आइसक्रीम खरीद कर खिलाती हूँ। चंदा और अप्पू दोनों आइसक्रीम खाने चल पड़े। बच्चों, इस वीडियो में हमने चपाती चाट, पाई चाट से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखा।